इसके ऊपर से मिसाइल जो है, मिसाइल फायर होता है, जो ऊपर लोड किया गया है, ये मिलन मिसाइल बोलते हैं इसको। ये हमारे हैदराबाद में बनता है और इसकी रेंज जो है 2 किलोमीटर है। जो आपने अभी टैंक देख के आया वहाँ से, ये 2 किलोमीटर में अगर उसी टैंक को हीट हो जाएगा तो पूरा टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगा। 2 किलोमीटर रेंज में उसको अगर ये लग जाता है मिसाइल, उसको रात के समय या दिन में कभी भी, तो ये टैंक का कुछ भी हिस्सा नहीं बचेगा, पूरा जला देगा उसको। इतनी ताकतवर है इसके अंदर। और ये जो लगा हुआ है, ये साइड है, यहाँ दिखाई दे रहा है ये, हाँ इसके अंदर साइड है। ये रात के समय 4 से 5 किलोमीटर एरिया में, अभी जैसे दिन में नहीं दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो इसके अंदर देखेंगे रात को तो 5 किलोमीटर एरिया तक ऐसे दिन जैसे दिखाई देगा, इतना क्लियरिटी है इसके अंदर। तो उसके अंदर हमने क्या करते हैं, टारगेट को चुन के उसको क्या करके फायर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि हाँ कौन आ रहा है उधर से, दुश्मन आ रहा है अपना आ रहा है, ठीक है। तो और ये अभी ये जो लॉन्च, इसकी वजन है इसके लॉन्चर की है 28 किलो है इसके, जो सिर्फ ये लॉन्चर की है। और ये जो मिसाइल है इसके अंदर ये 11.9 किलो वेट आता है इसका, और ये जो साइड है इसका 8 किलो वेट है। तो ये सब खुल जाता है, इसको फोल्ड करके जब हम जाते हैं कबाट में लड़ाई के अंदर, इसको कैरी करके ले जाते हैं। इसके अंदर तीन मेंबर इसमें काम करते हैं, तीन जन इसके अंदर, 2 मेंबर जो होते हैं, एक इसको कैरी करता है और ये दूसरा इसको कैरी करता है, और 2 मिसाइल जो है एक और एक कैरी करके जाते हैं। तो 3 आदमी इसको कैरी करते हैं और ये सारे फोल्ड हो जाते हैं। अभी ये आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं, नहीं तो ये क्या होगा, ये जाके फायर होता है। ये इंडिया के अंदर अभी बनता है, ये बगैर किसका है, यूरोपियन कंपनी फ्रांस से लिया गया है, इसको लाइसेंस लेके हमारा वीडियल हैदराबाद बना रहे, ठीक है ना। आप लोग जो बड़े होंगे तो अभी साइंटिस्ट बनोगे तो ये दोबारा फिर डेवलप होना है। ग्रेनेड जहाँ पर भी गिरता है, उसका चिलिंग एरिया है 7 मीटर के, उसके 7 मीटर के एरिए में जो भी आएगा उसके लग जाएगा, ठीक है। और डेंजर एरिया है इसका 135, ठीक है। इसके 3 जवान काम करते हैं, 3 जवान काम करते करके कैरी करते हैं। और रेंज है इसकी 1 किलोमीटर 700 मीटर का काम करते हैं। नॉर्मल फैर है इसका 50 ग्रेनेड, 1 मिनट में नॉर्मल फैर है 50 ग्रेनेड फैर करता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है तेज फैर, तेज फैर है जो 100 ग्रेनेड 1 मिनट। फिर आता है साइकिलिंग यानी कि अंधाधुंध फैर, वो है 400 ग्रेनेड, ठीक है। 400 ग्रेनेड फैर करता है। ये अच्छी साइकिल, इससे हम ट्रैक्ट भी फायर कर सकते हैं, इंडायरेक्ट भी फायर कर सकते हैं, यानी देख कर भी फायर कर सकते हैं, किसी क्रेस्ट के पीछे, पहाड़ी के पीछे कर सकते हैं। 50 से 17 फिट क्लियर है। वेट बताऊँ, इसका वेट बताने की जरूरत है। वो नहीं आएंगे, वो बच्चे छुपे से करना पड़ेगा। इसका नाम क्या बच्चों, इसका फ्लेम लॉन्चर है। इसका नाम क्या है, इसके अंदर क्या मिसाइल फायर होता है, कौन से मिसाइल। ये इसकी जो रेंज है 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक इसको हमने जो एनिमी की टारगेट होता है उसको क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा। इस तरह जो टैंक देखे ना, ये टैंक अगर 2 किलोमीटर में ये हिट हो जाता है तो उसके अंदर पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, ठीक है। और ये इसमें दिन में देखने के लिए डे साइड है, ये नाइट को देखने के लिए ये नाइट साइड है। ये डे साइड में तो जैसे देख रहे हैं दिन के 5 किलोमीटर एरिया तक बिल्कुल उसको पास में दिखाएगा, और ये नाइट साइड में रात पूरा अंधेरी रात में जैसे अभी दिन है तो इस तरह की ये दिखाएगा कि ये इंसान है, जानवर है, या ये गाड़ी है, टैंक है, ये पूरा इसके अंदर आइडेंटिफाई करेगा वो, ठीक है। और इसको फायर करके हमने क्या करते हैं, टैंक को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.